गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाने वाले हैं और ये व्यंजन है चीनी का गुलगुले। गुलगुले अक्सर गुड़ का बनाया जाता है, लेकिन बहुत लोग क्या है गुड़ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए इससे चीनी का भी गुलगुले बनाया जाता है और छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। अक्सर इसको कुछ भी त्यौहार में या विशेष करके अभी पितृपक्ष आने वाला है तो उसमें इस तरह से गुलगुले बनाए जाते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये देखिए, गेहूं का आटा लिए हैं, मेजरिंग कप रहता है उसमें एक कप गेहूं का आटा है, जो नॉर्मल हम रोटी पराठा बनाते हैं वही गेहूं का आटा है। फिर उसके बाद आधा कप चीनी ले लिए हैं और थोड़ा से एक चम्मच सौंफ लिए हैं, ये ऑप्शनल है, बाकी डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है। और चार इलायची के बीज को इस तरीके से कूट के ले लिए हैं, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी डालने से अच्छा लगता है। फिर उसके बाद सोडा लिए हैं, इसको सिर्फ एक पिंच ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से देखिए, बड़ा सा बाउल ले लिए हैं और उसमें ये चीनी है इसको डाल देते हैं। और चीनी को डालने के बाद फिर उसमें थोड़ा से अभी पानी डालेंगे, क्योंकि चीनी को हमको घोलना है। और ऐसे करते हुए हाथ से ही इसको घोल लेते हैं, जब थोड़ा सा घुल जाएगा, ये पूरी तरह नहीं घुले रहेगा, फिर भी इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसको हमको डो बनाना है, पतला डो बनाना है इसको। इसमें थोड़ा से ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में पानी और डालना है, क्योंकि चीनी भी थोड़ा से पानी छोड़ता है, इसीलिए शुरू में कम पानी इसमें डालेंगे। ये देखिए, और इसी में ये सौंफ है इसको भी डाल देना है, और ये इलायची का कूट के रखे थे इसको भी डाल देते हैं। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसको डाल के इसका पतला घोल बना लेती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे करके बढ़िया से फेंट लिए हैं और ऐसे करके इसको थोड़ा से पकौड़ा जिस तरह से बनाया जाता है उसी तरीके से इसको घोल बनाना है, थोड़ा से गाढ़ा। इसके बाद फिर इसमें थोड़ा से एक पिंच ही सोडा डालना है ताकि हमारा बढ़िया फ्लफी बने, ज़्यादा सोडा नहीं डालना है, ऐसे करके एक पिंच ही डालना है। और सोडा डालने के बाद इसको ऐसे करके थोड़ा से दो तीन मिनट तक से ऐसे करके थोड़ा से फेंट लेते हैं ताकि हमारा ये गुलगुला बढ़िया से फ्लफी बन के तैयार हो इस तरीके से। ये देखिए, सिर्फ इसको सोडा डालने के बाद ऐसे बढ़िया से दो तीन मिनट फेंट लेना है। ये देखिए, हमारा बैटर बन के तैयार हो गया। अब इसको फ्राई करना है, फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। ये देखिए, गुलगुला बनाने के लिए तेल को गरम कर लिए हैं। अब तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, एकदम हाई गरम भी नहीं होना चाहिए और धीमा आंच भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर इसमें एक एक करके पकौड़ा डालते जाते हैं, ऐसे करके छोड़ते जाना है, तो इस तरीके से बढ़िया गोल गोल पकौड़ा बन के तैयार होता है। ये देखिए, इसको मीठा पकौड़ा या फिर गुलगुला कुछ भी बोलिए। इसमें एक चीज़ ध्यान देना रहता है कि इसका बैटर को बिल्कुल सही रखें, पतला रख देने से ये जो पकौड़ा है फ्लैट बन जाता है, इस तरीके से गोल नहीं बनता है, और यदि इसको टाइट रख देने से ये कड़ा बन जाता है, फ्लफी नहीं बनता है। तो इसी तरीके से मैं गुलगुले को जितना एक बार कढ़ाई में आता है उतना डाल लेती हूँ। ये देखिए, इतना डाल देते हैं, इसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर इसको पलटेंगे। ये देखिए, थोड़ा देर ये पक गया है नीचे को, तो इसको ऐसे करके पलट देना है, बहुत ही बढ़िया फुला फुला और फ्लफी गुलगुले बन के तैयार हो रहा है ये। इस तरीके से इसको पलटते पलटते पका लेना है, हल्का से ब्राउन करना है ये, क्योंकि गुड़ है तो एकदम, गुड़ का नहीं है ये, चीनी का है, तो ये तो एकदम लाल इसको नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। और ये देखिए, हमारा गुलगुला बन के तैयार हो गया है, इसको ऐसे हल्का ब्राउन करना है क्योंकि ये चीनी का है, इसको निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लफी बन के तैयार हुआ है, बाकी और बैटर बचा है उसका गुलगुला बना के पहले तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए, हमारा चीनी का गुलगुले बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया है और ये कितना एकदम फ्लफी बन के तैयार हुआ है, ये देखिए, इसको दबाने से दब जा रहा है और आसानी से उठ जा रहा है।
अभी ये काफ़ी गर्म है, एक बार मैं तोड़ के इसको बताती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना इसका जाली है, अभी काफ़ी गर्म है, ये किस तरीके से जाली इसमें बन के तैयार हुआ है। ये देखिए इसी तरीके से सॉफ्ट गुलगुले बनता है। तो आप लोग भी इस तरीके से चीनी का गुलगुले बना के तैयार करें और इस पितृपक्ष में अपने पितरों को अर्पण करें, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है ये गुलगुला। और यदि पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।